नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि राजद बिहार में बढ़ती महंगाई को लेकर पूरे बिहार में आंदोलन छेड़ेगी, और जिसके लिए उन्होंने क्या कहा है आप खुद सुनिए। जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर गरीबों का चूसने का काम करती है, लगातार पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस कीमतें जो है लगातार आसमान छूती जा रही है, और इस समस्त महंगाई के कारण आम लोगों का जीवन जो है वो उसके दौर से गुजर रहा है। इसको लेकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है, बैठक की है कि आने वाले जो 18 तारीख को आने वाले 18 तारीख को सभी बिहार के सभी प्रखंडों में चुनाव, इसका हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, और आने वाले 19 तारीख हर जिला मुख्यालय में सभी हमारे साथी मिलकर के इसका विरोध प्रदर्शन करें। यही मौजूदा सरकार जो है डब्ल्यूएल की सरकार जो है सत्ता में आने से पहले काम करती थी कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई को खत्म करेंगे। आज देख लीजिए हर एक चीजों की कीमतें जो है बढ़ती जा रही है, लोग जो है प्रतिमान कर रहे हैं। कोरोना काल में भी लोगों का जो है मुश्किल से जो है लोग घर चला पा रहे हैं, कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कई दुकानें ठप पड़ गई हैं, और ऐसे दौर में जहाँ कच्चे तेल की कीमतें प्रति डॉलर का डॉलर होता है वो सस्ता है, और लगातार जो है कीमतें पेट्रोल के हो डीजल के हो वो बढ़ाया जा रहा है। आप सब लोगों को पता है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती है तो हर एक चीजों का कीमत जो है वो स्वाभाविक रूप से वो बढ़ता है। ये जो लोग अच्छे दिन ला रहे थे लोगों के बुरे दिन लाने का काम किया है लोगों ने, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कभी, और ऐसे दौर में सड़क से लेकर सदन तक हम लोग जनता की आवाज को बल देने का काम करेंगे, और हर एक जगह उनके आवाजों को उठाने का काम करेंगे, और हम लोगों की मांग भी रहेगी कि सरकार जो है जल्द से जल्द पेट्रोल हो डीजल हो एलपीजी गैस के दामों का खाद के दामों का कीमतें जो आसमान छूटी जा रही है, किसान परेशान है, तबाह हो चुका है, इन सारी कीमतों का जो दाम जो है कम किया जाए, और यही देश की जनता भी चाहती है। इस दौर में जहां इलाज को लेकर के लोगों का खर्चा बढ़ता जा रहा है, बोझ बढ़ता जा रहा है, भार बढ़ता जा रहा है, वही लोगों के खाने पर भी जो है मुसीबत आ गई, तो उसमें हम सब लोग मिलकर के ये करता रहेंगे 18 तारीख को सभी प्रखंड में और आने वाले 19 तारीख को सभी जिला मुख्यालय में हम लोग इसका विरोध करेंगे। तो सुना आपने कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कहा कि वो इसी महीने यानी जुलाई के महीने में 18 तारीख को पूरे बिहार के सारे प्रखंडों के स्तर पर और 19 जुलाई को जिला मुख्यालय के स्तर पर बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, और इसके लिए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जैसे गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, जिसका सीधा असर हर एक सामान की बढ़ती कीमत पर पड़ रहा है, और
सारे चीज़ों की कीमत लगातार बढ़ रही है, तो इन सारे चीज़ों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है और सरकार के खिलाफ आंदोलन निकालने की बात की है। तो अब देखना है कि इस आंदोलन के बाद क्या सच में महंगाई पर कोई असर पड़ता है या फिर ये ऐसे ही विरोध होते रहते हैं और महंगाई बढ़ती चली जाती है। तो खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें।